नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने का फैसला करके पाकिस्तानियों को काफ़ी नाराज किया है और गिल्लो रानी तो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं। आइए देखते हैं कि ब्लास्टिंग पॉइंट में इसी सिलसिले में आज उन्होंने किन किन मेहमानों को बुलाया है, देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुनिया की सबसे प्यारी होस्ट बिलो रानी और आप देख रहे हैं मेरा शो ब्लास्टिंग पॉइंट। हाय नाज़रीन, कितनी गलत बात है ना, हमने इतने प्यार से ग्राउंड सजाई, पिच तैयार की और इन नलायकों की वजह से हमने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी तब्दील किया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऐसे भाग गई जैसे हमने ना इनको लोहे की गेंदों से खिलवाना था। हाय मुझे लगता है इन्होंने ना कोई ड्रोना ख्वाब देख लिया होगा, वो जो है ना नरेंद्र मोदी, उसको ख्वाब में देख लिया होगा इसलिए ना डर के उठ गए होंगे, अम्मी जी और भाग गए होंगे। खैर ऐसे हमने नहीं छोड़ा इनको, हमने ना पूरी छान पटक कर ली है। हाँ जी, इस सारे मामले के पीछे ना वो बिल बतोड़ी की नासों वाले, वो चौड़िया नासों वाले नरेंद्र मोदी का हाथ है। हाँ, और ये सारी बात ना मुझे शेख रशीद साहब ने बताई है। तो नाज़रीन, लेट्स मीट अप आज के हमारे जो गेस्ट हैं जनाब शेख रशीद साहब, और उनके साथ ये पैड़ी शक्ल वाला तशरीफ रखता है ये न्यूजीलैंड का साबक कैप्टन थॉमस। तुम मुझे बताओ हाँ थॉमस, तुम्हें क्या मात पड़ी हुई थी है, तुम क्यों भाग गए थे यहाँ से? नो थॉम, माय नेम इज थॉमसन, थॉमसन। चिप कर जाए थॉमसन। देखे जी, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम भैं भैं करके भागी है, मुझे लगता था कि उन्होंने भेड़ों की टीम बनाकर भेजी थी। भेड़? What is the भेड़? चुप कर जा, भेड़े। और क्या, इतनी सिक्योरिटी दी है हमने इनको है, इतनी सिक्योरिटी तो हमारे वजीर आजम की नहीं होती है, बोलता नहीं तू है, तुझे तो कीड़े पड़े। और देखें जी, इतनी तो न्यूजीलैंड में फौज नहीं है जितनी हमने उनके पीछे पल्स लगा दी थी। हो हाय शेख साहब, पावे वो समझे हमारे पीछे पुलिस लग गई है। और नहीं बिलो रानी जी, उनके आगे पीछे पुलिस लगी हुई थी, इतनी पुलिस तो हम कच्चे में डाकू पकड़ने के लिए नहीं भेजते हैं, फिर भी ये डर के भाग गए हैं। और तुम लोग डर के भाग गए हो, डरपोक कह के हैं, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम हो ही डरपोक हैं, ना लागो तुम हो ही चोर। डरपोक, डरपोक, और तेरे जैसा होता है डरपोक, चुप कर जाओ। देखें जी, हमने उनको कहा था जी आपको इतना डर है तो हम आपके आगे पीछे टैंक भी लगा देते हैं, वैसे भी जो रात कब्र में है जी उसका सुबह का नाश्ता जो है फरिश्ते ही कराते हैं। वैसे एक बात तो बताएं शेख साहब, मैंने सुना ये सारी कारस्तानी जो है ना ये भारत की है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि हमारे मुल्क पे भी क्रिकेट हो, बताएं हाँ सर। देखें जी, जब हमने खोज की तो टूटते टूटते हमें एक हाथ मिला, और जब हम उसका हाथ को पकड़ के आगे टूटते गए तो हमें एक बाजू मिला जी, फिर बाजू के साथ चलते चलते जब आगे पहुंचे तो उसके साथ एक पूरा जिस्म मिला जो नरेंद्र मोदी का था। रोपड़े। बात ये जी, जब से अफगानिस्तान में हुकूमत बदली है ना जी, तो पूरे भारत को वक्ता पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि अशरफ गनी नहीं गया, उनका अबा मर गया। वाह वाह शेख साहब, है ना, काबुल से तो भारतीयों को यूं उठा उठा के उन्होंने फेंका है जैसे औरतें ना कूड़े वाला छापर उठा के ना यूं घुमा के फेंकती हैं। लेट मी टॉक लेडी, प्लीज लेट मी टॉक। यार आप चुप नहीं करके बैठ सकते, लगता है यहाँ से बेस्ट होके जाएंगे आप। वो जी उनका एक है अभय नंदन जी। हाँ हाँ हाँ, वो वाला, वो जो है इट इज फैंटास्टिक। नहीं जी, उनका एक और अभय है जी, अभय नंदन मिश्रा। उसने अपने अखबार में आर्टिकल लिखा था कि जी पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है। हमला? अटैक है, हमला, चुप कर। हाय, यानी साजिश की हांडी पहले ही चूल्हे पे रख दी गई थी हैं? तुम लोग जाके भारत में क्रिकेट खेल सकते हो हैं? मोदी तुम्हारा मामा लगता है। हाय हाय, मैं तो कहती हूँ ये उस अभिनंदन मिश्रा के अखबार को कीड़े पड़े, अल्लाह करे कि उसका अखबार ना पकौड़ों की दुकान के अलावा कहीं ना बिके, मैं कहती हूँ चूहे खा जाए इसका अखबार, फजूल तरीन इंसान, गुस्सा ही बड़ा है मुझे। ओ प्लीज लेट मी टॉक, प्लीज लेडी, माय लेडी, प्लीज। ओ माय लेडी, तू घर से लेके आया लेडी, तेरी अपनी लेडी है ये, हैं? ये एक बहुत अच्छी होस्ट है हमारी जी। देखे जी, हमने चोर का खुरा नाप लिया है, भारत से एक ईमेल की गई जी न्यूजीलैंड के कप्तान की बीवी को जी। हाय हाय, यानी कप्तान की फीमेल को ईमेल,
वाह जी वाह, फीमेल, आई लव माय वाइफ। चुप करो फीमेल, और खैबर मेल के बच्चे आराम करो। चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, चुप करो। हाँ जी, और धमकी दी है जी कि तुम्हारा शोहर अगर पाकिस्तान जाएगा तो वापस नहीं आएगा, नए का बंदोबस्त कर लो। हाय मैं मर गई, बीवी के पास तो इकलौता शोहर ही होता है, अगर वो चला गया तो मकान की गाड़ी की किस्तें कौन देगा है? और देखें जी, शेख ने इसलिए बीवी नहीं रखी जी, ना होगी बीवी और ना कोई देगा धमकी। बीवी? व्हाट बीवी? तेरी नहीं है, देखें शेख को क्या पता जी बीवी का, चुप कर जा। वैसे अगर उसकी जगह मैं होती ना और मेरे खामंद को मारने की धमकी मिलती तो मैं उसे कहती भाई तूने घबराना नहीं है, तू खेड़, मैं देखनी है केड़ा दहशत गर्द आंदा है, मैं अगर जुतियां मार मार के उसका मुंह बताऊं जैसा ना कर दूं तो मेरा नाम भी बिलो रानी नहीं है। आहो बताऊं, व्हाट इज द बताऊं? ये मैं तुम्हें बाहर जाके बताऊंगा, बताऊं, चुप कर जाओ। देखें जी, अगर खेलते हुए उसे कुछ हो जाए तो शेख आपका सहारा बन सकता है। वैसे शेख आजकल इस्लामाबाद में वजीर लगा हुआ है। खुदा का खौफ करें शेख साहब, मैं तो खुद एक वजीर की बीवी हूँ। कौन सा वजीर और किस महक में गए जी? हाँ हाय, मेरे शोहर का नाम वजीर है, मुझे याद है, मैं अपने बंदे को जरा कॉल्स कर लूं। वेट्स, अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब है शेख का पता कट गया, मेरा मतलब है मैं जाऊं अब। हाँ हाँ जाए, और आपने मेरे साथ बैठ के ऑपोजिशन की चुगलियां करनी है आपने, जाए आप। बच्चे जरा ना ये शेख साहब जा रहे हैं बाहर से, कुंडी लगा देना। हाँ प्लीज लेट मी टॉक, प्लीज। टाक शाक हो जाएगी क्या, तुझे मसला क्या है? चल मैं आके तुझे वहां पे छोड़ के आता हूँ जहाँ से तू आया। वेयर गोइंग? मेरी बात सुने, तुम लोगों को जितनी इज्जत दी जाती है ना, तुम लोग इज्जत के काबिल हो ही नहीं, चलो यहाँ से निकलो। वेयर गोइंग? ओए गोइंग चल, और गोइंग से बचे चल। जी नाजीन, मैं जरा ना अपने हबी से बात कर लूँ, पता नहीं बड़े दास हो रहे होंगे ना, काफी देर हो गई है। हेलो माय स्वीटी डार्लिंग, कैसे हैं आप? हाँ आपको पता है आज ना मैंने ऑन एयर्स कह दिया है कि मैं ना अपने हबीज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ जी, अच्छा मुझे बताएं आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ वो एक छोटा सा काम था, वो ना साग बनाया हुआ ना मैंने, तो उसे जरा लहसुन का तड़का लगा दें। हाँ क्या मतलब है, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं?